गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है मंडे, बहुत बिजी होने वाला है मंडे। तो आशा करती हूँ कि आपके दिन भी अच्छा जाए और मेरा दिन भी बहुत अच्छा जाए। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, अभी टाइम हुआ है 6:20। तो चलिए फटाक से भगवान के दर्शन कर लेती हूँ और अपना दिन स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं जल्दी जल्दी में झाड़ू कर लेती हूँ, पहले घर क्लीनिंग कर लूंगी और उसके बाद मैं अपना सारा काम स्टार्ट कर दूंगी। मैं सुबह उठ के पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद 1 ग्लास वार्म वाटर पीती हूँ एंड देन पहले घर को साफ कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं अभी नवी मुंबई में हूँ तो फिलहाल मेरे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो मैं 1 साल के लिए यहाँ पे आई हूँ तो सारा काम मुझे करना पड़ता है। एंड टुडे तो मॉर्निंग है एंड मॉर्निंग टुडे तो मंडे वाला मॉर्निंग है, तो बहुत ही बिजी रहता है, बहुत ही हेक्टिक रहता है। फिर उसे खाना खाने का टाइम भी खत्म करती है, ऑफिस के लिए बैठना होता है। तो चलिए मेरा झाड़ू हो गया है, अभी मैं झाड़ू पूरा घर का कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बिगडेली से सामान भी आ गया है, तो चलिए फटाक से इसको पहले रख लेते हैं और देन आ जाइए किचन। तो फिर किचन में सारा काम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने किचन में थोड़ा सा खाना बना दिया है, ये मेरा खाना ऑलरेडी बन रहा है क्योंकि एवरीडे हस्बैंड को देना पड़ता है, वो अपना लंच बॉक्स लेके जाते हैं। तो आज सिंपल सा भाजी दाल और राइस करेंगे। राइस मेरा हो चुका है, देखिए मेरा राइस भी हो चुका है। तो चलिए फटाक से सामान को रखते हैं। तो मैंने डेली जो बिग का डेली बास्केट है, बीबी डेली, उससे मैंने हर दिन दही एंड दूध ऑर्डर करती हूँ, वो मेरा आ चुका है। एंड वो हनी भी मैं सुबह लेती हूँ तो वो हनी भी आ चुका है। मैं सफोला का ही हनी यूज़ करती हूँ तो वो भी आ चुका है। एंड थोड़ा सा कुछ सब्जी आया है, और ऑनियन नहीं था तो ऑनियन, थोड़ा सा आलू, ये सब ऑर्डर की थी। ये सब फटाक से रख लेती हूँ, देन आपके साथ बात करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा भाजी हो चुका है, तो अभी जस्ट मैं इसको ठंडा होने दूंगी क्योंकि गर्मी में अगर गर्म खाना बॉक्स में भर ले लेते हैं तो वो खराब हो जाता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा फैन के सामने ठंडा होने दूंगी और देन मैं इसको किचन में पैक कर दूंगी। और अभी मैं चावल मेरा हो चुका है और अभी दाल चढ़ा दूंगी और एक ऑमलेट, बस आज का लंच बॉक्स यही है। और साइड बाय साइड मैं किचन भी क्लीन कर लेती हूँ ताकि मुझे पहले और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैं फिर इसको भी धो लूँगी और अपना सैंडविच बनाऊँगी, मॉर्निंग वाला सैंडविच। अभी मैं फिलहाल तो वेट लॉस के ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हूँ और इस वेट लॉस में मैं कुछ भी अपना मतलब बाहर के मेडिसिन या कुछ भी नहीं करती हूँ। घर में थोड़ा सा बहुत वर्कआउट एंड जो घर का डाइट खाना वही खाती हूँ, तो इससे मेरा बहुत ही फायदा हुआ है, मैंने बहुत ही वेट लॉस किया है। तो मैं एक दिन आपके साथ वेट लॉस जर्नी भी शेयर करूँगी। तो अभी मैं मॉर्निंग वाला ड्रिंक्स दिखाती हूँ जो मैं अभी ले रही हूँ। तो मैं फर्स्ट, आप देख सकते हैं कि ये, मैं इसको दिखाती हूँ, ये है मेरा जीरा वाटर जो कि मैं रात भर सोख करके रखती हूँ। एटलीस्ट सोने से पहले मैं इसको 2 टेबल स्पून इसमें डाल देती हूँ और पानी डाल देती हूँ। तो अभी उसको मैं ये कर दूँगी ब्रेंड करके, उसका जो प्रॉपर्टी है उसको छान लूँगी। वैसे एक पैन ले लेती हूँ
अब उसमें मैं जीरा को डाल देती हूँ। क्योंकि क्यूमिन सीड्स में आपका रहता है ऑक्सीडेंट रहते हैं, एंटी इंफ्लामेटोरी प्रॉपर्टीज रहता है, विटामिन ए एंड सी, कॉपर, मैंगनीज ये रहता है। एंड अगर आप जीरा वाटर लेते हैं तो आपका बॉडी पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाता है एंड रिमूव करते हैं ऑल द टॉक्सिन्स। तो इसी के कारण मैं लेती हूँ। और भी बहुत सारे ड्रिंक्स अवेलेबल है बट मुझे ये जीरा वाटर बहुत सूट होता है, तो मैं अभी इसको थोड़ा से ड्रेन करने के बाद ये जो जीरा है इसको मैं फेंक दूंगी। और जो ये ऐसे टाइप का आता है तो इसको मैं अभी थोड़ा से वार्म करूंगी। तो ये हेल्पिंग मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ये ले रहे हैं, लास्ट 3-4 मंथ से तो हम लोग ले ही रहे हैं। और इसमें आपका हजम सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाता है, जिन लोगों को मतलब थोड़ा बहुत वीक है, कुछ भी खाने से प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी ये सब का, तो ये बहुत प्रॉब्लम से सॉल्व देता है। तो चलिए फटाफट से ड्रिंक्स बना लेते हैं और ड्रिंक्स को पी लेते हैं, क्योंकि ये उठने के आधा घंटा बाद ही आपको लेना चाहिए। और उसके बाद और एक ग्लास मैं पानी लेती हूँ एंड देन उसके आधा घंटा बाद मैं अपना मॉर्निंग टी लेती हूँ। तो अभी एक इसके साथ एक नींबू चाहिए मुझे। तो ये हुआ मेरा नींबू, तो इस ये नींबू के साथ ही मैं अपना ड्रिंक्स बनाऊंगी। तो दोनों ग्लास में मैं इसको ड्रेन कर ली हूँ जो थोड़ा से वार्म की थी। अभी इसमें मैंने 2 स्पून हनी डालना है और मैं ऑलवेज सफोला की हनी प्रेफर करती हूँ। एंड देन ऐसे टाइप का 1 इंच की नींबू ले लेती हूँ और ये नींबू को डाल देती हूँ। तो 10-12 ड्रॉप्स, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होने से प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मॉर्निंग ड्रिंक्स रेडी, अभी मैं इसको पी लेती हूँ एंड देन आपसे मिलती हूँ। तो अभी साइड बाय साइड में पोछा भी कर ले रही हूँ क्योंकि घर क्लीन एक बार हो जाए उसके बाद मैं अपना हैंड वॉश करके ब्रेकफास्ट कर लूंगी। फटाफट से पोछा कर लेती हूँ एंड देन आपसे बात करती हूँ। एक्चुअली सुबह सुबह सारा काम मुझे करना पड़ता है क्योंकि मैं फिलहाल आप लोगों को शायद पता नहीं होगा या बहुत जन को पता होगा कि मैं TCS IT में हूँ। तो 10 बजे, 10 या 10:30 तक मैं लॉग इन कर जाती हूँ, तो इसीलिए उसके अंदर मुझे सारा काम ख़त्म करके और मैं एकदम शांति से बैठती हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि ऑफिस के बीच और मुझे टेंशन लेना पसंद नहीं है। और मेरे हस्बैंड भी सुबह चले जाते हैं तो वही सुबह सारा काम मैं कर लेती हूँ। मुझे खुद का काम करने में भी बहुत मजा ही आता है, ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, मतलब मैं एंजॉय भी करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग बहुत बिजी रहता है और हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी मेरा रहता ही है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए घर पोछा करके बात करती हूँ, बहुत गर्मी है। तो ऑमलेट कर लेते हैं, ऑमलेट तो नहीं है वो, एक भुर्जी टाइप का है, तो
शशांक को एक भुर्जी पसंद है क्योंकि वो ऑमलेट ठंडा हो जाता है उस टाइम, तो वो बोलते हैं कि मुझे एक भुर्जी अच्छा लगता है उस टाइम। अभी मैं एक भुर्जी कर दूंगी, मेरा भाजी और दाल चावल हो चुका है, तो बस ये एक भुर्जी हो जाने के बाद मैं इसको भी थोड़ा ठंडा करके भरती हूँ, बाद में वो गर्म कर लेंगे शायद। ऑनियन कट कर दूंगी, ऑनियन कट हो गया है इसको तो बना लूंगी। तो चलिए हो गया है, अभी बना लेते हैं। मैं इसको बना लूंगी, और मैं एक भुर्जी के लिए अलग से ऑनियन को फ्राई नहीं करती हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है, तो मैं एक साथ ही सबको दे देती हूँ। एंड देन छोटे छोटे शॉर्टकट मेथड, छोटे छोटे पीस में फिर उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ। चीली सुबाई देखे गया तो उसको भी वॉश भी करना है। एक्चुअली मंडे थोड़ा बहुत ही हेक्टिक होता है क्योंकि बीच में 2 दिन गैप हो जाता है, एंड देन फिर अपना लाइफ में फिर बैक करना, लाइफ सुबह उठना, ऐसे सैटरडे संडे में यूजली थोड़ा लेट से उठती हूँ और खाना भी कभी कभी मेरे सास बना लेती है, तो वही कभी कभी शशांक ने भी बना लेता है, तो अगर तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो इसको सॉल्ट के साथ या भी इसको मैरिनेट कर लूंगी और उसके बाद मैं इसको फटाफट से फ्राई कर लूंगी। अभी फिर मेरी बेटी भी उठ जाएगी तो उसको भी अभी रेडी वेडी करना है, तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं ब्रेकफास्ट में। तो आप देख ही पा रहे हो, अभी इसको मैं थोड़ा सा बना ऐसे करके थोड़ा सा क्रम्बल कर दूंगी स्टार्टिंग में, एंड इसको सेम फ्लेम स्लो कर दूंगी और वो आप अपने आप ही होगा। चलिए इसको बना के मैं पैक कर देती हूँ खाना। तो अभी टाइम आ गया है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो मैं अभी दिखाती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या करूँगी। सिंपल सा ब्रेकफास्ट है, तो मैंने रात में चिया सीड जो होता है चिया सीड को सोक करके रखने के लिए दे दिया था ओवरनाइट, तो वो चिया सीड सोक होने के बाद ऐसे टाइप का हो जाता है, तो ये चिया सीड बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसके साथ अभी अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो ये अभी शशांक का हो रहा है, तो मैं 4 स्पून दी हूँ उसमें, मैं ग्रेप्स को वॉश कर ली हूँ अच्छे से, अभी इसको छोटा छोटा मैं काट कर लूंगी। गर्मी के लिए ये बहुत ही अच्छा एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट है, एंड वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन में जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, एंड अदर्स भी ये ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, ये इसमें एसिडिटी वो सब कुछ भी नहीं होता है, दिन भर आपको एक एनर्जेटिक मतलब आपको रहने के लिए बहुत हेल्प करता है, तो आप ये जरूर ट्राई करना एक बार। ये बहुत ही अच्छा एक ब्रेकफास्ट है और इसमें आपका बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी रहता है, तो अब मैं इसको ऐसे ऐसे कट कर दूंगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैंने बहुत सारा फ्रूट्स उसमें डाली हूँ, तो डालूंगी तो इसीलिए मैंने बैलेंस करते हुए सबको डालूंगी। तब ये मैं डाल दी हूँ,
अभी मैं पपैया को भी डालूंगी एक। तो ये जो फ्रूट है, ऐसे टाइप का ब्रेकफास्ट हम लोग यूजुअली वर्किंग डे में करते हैं। एंड ऐसे होता है ना, वीकेंड तो चीट डे होता है, तो उसमें हम लोग थोड़ा से ऐसे मतलब अनहेल्दी खाना खाते हैं, क्योंकि ऑल टाइम अगर आप ऐसे डाइट में रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आप अपने हिसाब से अपना रूटीन सेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे यही ही खाना है, इतना कैलोरी खाना है, मैं वो सब फॉलो नहीं करती हूँ। ट्राई करती हूँ जितना लेस ऑयल स्पाइसेस खाना हो, या कार्बोहाइड्रेट टाइप का खाना हो, जैसे राइस, ये सब मैं वीकडेज में नहीं लेती हूँ, वीकेंड में ही खाती हूँ। वीकडेज में ऐसे में स्मूदी लंच के टाइम में, या ठंडे के टाइम में कभी एक चपाती लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेती हूँ। तो कभी मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन ये भी शेयर करूँगी कि मैं क्या लेती हूँ, कैसे लेती हूँ, कितना क्वांटिटी। तो अभी मैं पपैया को भी एकदम स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको कट कर लूँगी, एंड बस और कुछ नहीं है, थोड़ा सा कर्ड इसमें ऐड करूँगी एंड दैट्स। पपैया आपका मतलब जितना मतलब ये रहेगा, मतलब आपका राइट पपैया बहुत अच्छा इसमें जाएगा। ये पपैया मेरा थोड़ा सा देखती हूँ कि शायद वो उसने बोला था कि आज शाम तक वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, बट ठीक है, ये अच्छा ही लगेगा खाने में, बहुत मीठा है। एंड मैं ये ब्रेकफास्ट लेने के बाद वो जो 10 to 11 टाइम होता है, उसमें ऐसे कोकोनट वाटर या कभी छाछ टाइप का, ऐसे घर में ही दही रहता है तो ऐसे बना के कभी कभी पी लेती हूँ। तो इसमें भूख भी नहीं लगता है एंड आपको दिन भर बहुत हेल्दी महसूस होगा। तभी इसमें मैं डेट ऐड करूँगी, लेके आती तो इसमें ये जो डेट का पैकेट है ये मैं लेके आती हूँ। ये मेरा हर वीक एक एक पैकेट आता है ना, वीकेंड में ख़त्म हो जाता है, तो डेट मुझे बहुत पसंद है। एंड मेरे घर में भी सबको, फैमिली में भी सबको डेट अच्छा लगता है। तो अभी मैं कुछ डेट के टुकड़ो ऐड कर दूँगी और इसको अच्छा से बॉक्स में फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। ऐसा करके 4-5 डेट दे दूंगी, क्योंकि डेट देने देने से आपको एक मतलब मीठापन आएगा। और जो आपको हनी या आप इसमें जैगरी सिरप यूज कर सकते हैं, मेरा जैगरी सिरप वो खत्म हो चुका है, तो अभी मुझे मिला नहीं कल डीमार्ट में। तो ठीक है, अभी मैं डेट के साथ और इसमें थोड़ा सा दही ऐड करूंगी। ज़्यादा दही नहीं जाएगा इसमें, तो थोड़ा सा ही दही जाएगा। एंड बस आजकल ये ऐसा ही है। हाँ, थोड़ा मतलब जिन लोगों को मीठा पसंद है, जैसे मैं इसमें और हनी या कुछ नहीं लेती हूँ जैगरी, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा से चाहिए होता है, तो मैं ऊपर से हनी को ऐसे स्प्रिंकल कर दूँगी। क्योंकि जितने भी सारे फ्रूट्स है उसके अंदर तो अपना फ्रूट का एक स्वीटनेस आता ही है, तो मैं बस 2 टेबल स्पून थोड़ा थोड़ा करके स्प्रिंकल कर दी हूँ, दैट्स इट। तो ये हो गया है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। तो ये देखने में बहुत ही यमी है एंड खाने में भी बहुत ही यमी है एंड बहुत हेल्दी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सबसे में देखने में ही अच्छा हो। तो अभी इसको मिक्स करके मैं अपने हस्बैंड को दे दूंगी और मैं भी ले लूँगी। तो चलिए, आज का दिन इतना ही रखते हैं। मॉर्निंग में, मंडे मॉर्निंग रूटीन, बिजी रूटीन में आपके साथ शेयर की हूँ। अभी बस मैं बैठ के अपनी चाय लूँगी, हम बेटी को रेडी करूँगी, उसका अभी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, वो बहुत छोटी है, मैं बाद में उसको भी इंट्रोड्यूस कराऊँगी। तो चलिए, मिलते हैं कल के एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।